हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करते हैं किस तरीके से हम अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं अगर हमें किसी ने ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप से। तो इस तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पे बहुत देखी होंगी और आपने ट्राई भी किया होगा, बट आपको बेनिफिट किसी से नहीं हुआ होगा। ये जो ट्रिक मैं आपको फ्रेंड्स बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूब की वीडियो में इस ट्रिक के बारे में बताया गया होगा। ये ट्रिक थोड़ी सी टफ है, बट अगर आप सभी स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होना क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें मोबाइल इंटरनेट मोबाइल हार्डवेयर से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं, जो कि एकदम फ्री होते हैं और आपके काम के होते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है ये ट्रिक को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक इमेज होना चाहिए, इमेज चाहे कुछ भी हो उस वो डिपेंड नहीं करता। विनरार का सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए और एक फाइल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे आप इस फाइल पर क्लिक करेंगे, एक ये फाइल क्या है, ये एक तरीके का प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग की हुई है। तो सिंपली तो ये ओपन नहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट पैड में ओपन होगी, जिसे ड्रैग करके नोट पैड में ले जाइए। और ये देखिए इस तरीके की इसमें कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है इस फाइल के अंदर। अब आपको सिंपली करना क्या है, फाइल पर क्लिक कीजिए, सेव एज, जो इसका एक्सटेंशन है उसे आपको चेंज करना है, जैसे कि एच डॉट एक्सटेंशन आपको APK रखना है और इसे कॉल कर देना है सेव। ये फाइल यहाँ आ गई है h.apk के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको सिंपली करना क्या है, एक न्यू फोल्डर ओपन कीजिए, क्रिएट कीजिए और इसे उसमें पेस्ट कर दीजिए न्यू फोल्डर में, और इसका आप नेम चेंज कर लीजिए, जैसे कि समय एल। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम CMD का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू l.rar, मतलब इसकी एक rar फाइल बना लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। और ये देखिए यहाँ इसकी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है जो कि rar फॉर्मेट में है। अब आपको सिंपली करना क्या है, जिस तरह की ये इमेज है, हमें इस प्रोग्रामिंग को, इस मतलब जो ये है फाइल, इसे हमें इस इमेज में हाइड करना है। तो किस तरीके से हाइड करेंगे वो भी देखते हैं। ये एक आप इमेज ले, जिस तरह मैंने ले रखी है यहाँ, सिंपली यहाँ CMD टाइप कीजिए। और अब आपको करना क्या है, कुछ कमांड का आपको यूज़ करना है जिससे कि हम इसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले CD डेस्कटॉप, ठीक है फ्रेंड्स, आपको जूम करके दिखा देता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको मैं कमांड, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कॉपी /B, अब इमेज जो है हमारा उसका नेम और उसका फॉर्मेट है JPG में, उसे हमें यहाँ टाइप करना है j.jpg, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस प्लस, अब ये जो हमने L, ये rar फोल्डर बनाया था rar फॉर्मेट में जो हमने बनाया था उसे टाइप करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो rar है, तो हम टाइप करेंगे l.rar, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको सिंपली करना क्या है, स्पेस, एक इमेज क्रिएट कीजिए जिसमें ये L वाला फोल्डर जो हमने rar फॉर्मेट का ये क्रिएट किया था वो उसके पीछे हाइड रहेगा। उसका नाम अगर लिखते हैं final फाइनल IMA इमेज और उसका फॉर्मेट .jpg, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको दिखाता हूँ एक यहाँ इमेज क्रिएट होगी, सिंपली से आप एंटर कर दीजिए और ये देखिए फाइनल इमेज के नाम से यहाँ एक इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपली कोई अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये इमेज ही आपको मिलेगी, इसका फॉर्मेट चेक करेंगे
वो भी JPG है, बट इसके अंदर हमने जो हमारा प्रोग्राम था मतलब जो हमारी फाइल थी वो हाइड की हुई है, जो कि हमें अनलॉक करेगी। हमें क्या सभी को अनलॉक कर देगी वो, जिस जिसको भी उस पर्सन ने हमें ब्लॉक किया होगा। अब जैसे कि मैं इसके वो आपको प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ जो इसमें थी हाइड के अंदर, सिंपली से ट्रैक कर दीजिए आप नोट पैड में और ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये वही आ गई। मतलब जो ये वाली फाइल थी APK वाली जो हमने इसके अंदर ये बनाई थी APK फाइल, वो इस इमेज में हाइड हो चुकी है। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस इमेज को अपने मोबाइल में आपको कॉपी कर लेना है। बट इसमें एक बात ये ध्यान आपको रखनी है, इस इमेज को आपको ओपन नहीं करना है अपने मोबाइल में। मतलब कि अगर आप गैलरी के थ्रू ओपन करना चाह रहे हैं, मोबाइल अपने आप शो कर रहा है वो बात अलग है, बट आपको नहीं इसे इस पर क्लिक करके ओपन करना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं चलो मोबाइल की स्क्रीन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं किस तरीके से वो इमेज काम करेगा और किस तरीके से हम अनलॉक करेंगे। यहाँ मैंने दो मोबाइल लिए हुए हैं जिसमें ये एक दूसरे के सामने है, मतलब सामने ये है, और मैं इसे ब्लॉक करूँगा इससे। तो सिंपली पहले मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ, मोर और ब्लॉक। ये मैंने ब्लॉक कर दिया, अभी यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा नेट की वजह से ऐसा हो रहा है, अभी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब सिंपली आपको करना क्या था, वो इमेज मैंने आपको बताया था कि किसी थर्ड नंबर से आपको सेंड करना है इस नंबर पे, जिससे वो जिसने ब्लॉक किया उस पर। जैसे कि वो इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ सेंड कर रखा है, ये इमेज था वो। अब जैसे कोई इसे ओपन करेगा इससे होगा कुछ नहीं, बट वो जब भी अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट करेगा तो अपने आप अनलॉक कर देगा, मतलब जितने पर्सन उसने ब्लॉक किए होंगे। अब जैसे मैं आपको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये जैसे ही फ्रेंड्स देखिए हो गया ऑन। अब इसमें इंटरनेट कनेक्शन में जैसे ऑन कर देता हूँ, अभी ये ऑन कर दिया मैंने इंटरनेट कनेक्शन। अब देखिए अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, आ गया ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी स्ट्रिक को यूज कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक करना ना भूले। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।